नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2 बजने वाले हैं और ये स्टॉक लगभग 3.25% से ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है और बाजार में भी ज़बरदस्त यानी कि ज़बरदस्त सेलिंग का प्रेशर है। क्या है रीज़न इस गिरावट के, मैं बात करूँगा। और ये जो लेवल जिसमें ट्रेड कर रहा है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है फॉर अ लॉन्गर टर्म। और देखिए, एक साइड में मैंने हमेशा कहा है कि इसी रेंज के आसपास जहाँ ये ट्रेड कर रहा है वहीं हमें निवेश करना चाहिए, या एटलीस्ट अगर आपने नया निवेश नहीं किया, आपने कोई भी निवेश नहीं किया है तो बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं पहले आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 3.41% की यहाँ गिरावट हुई दोस्तों, कितने 3.41% की, ठीक है। और बात अगर मैं नेक्स्ट करूँ आपके साथ कि भाई ये गिरावट कितनी भयंकर हो चुकी है बैकसाइड में, तो पिछले अगर हम एक साल का देखें दोस्तों, तो इस स्टॉक ने लगभग ऊपरी स्तरों से अगर हम देखेंगे तो आप देखिए इसने एक काफ़ी कहना चाहिए, देखिए कितना लगभग 25 पर ज़्यादा गिरावट दिखाई। और एक बार तो ये गिरावट दोस्तों घट करके अगर आप देखेंगे तो एक बार ये गिरावट बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, 25% से भी ज़्यादा गहरी ये गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, 28% गिर चुका था। और इसका जो एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों वो है 139 के आसपास, ठीक है। और 52 वीक लो अगर इसका आप देखेंगे तो 135 रुपए है। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं, एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, ऐसे समय में आपको ऐसे स्टॉक जो अपने इंडस्ट्री के लीडर हैं, एक ऐसा सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, आपको खरीदारी का बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा बहुत ही शानदार मौके दे रहा है, तो आपको उसे ज़रूर से ज़रूर खरीदने की सोचनी चाहिए या खरीदना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए मुझे एक्साइड इंडस्ट्रीज इन लेवल में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ, अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें आप, तो इसका चार्ट देखिए, ये इस लेवल में पहले बहुत तगड़ा था, फिर ये यहाँ तक चला, फिर इसने यहाँ गिरावट दिखाई, वापस से चढ़ने की कोशिश, फिर ये गिरावट, वापस से चढ़ने की कोशिश, फिर ये गिरावट, ये फिर वापस से चढ़ने की कोशिश, अब ये फिर गिरावट। यानी कि टेक्निकली भी देखिए तो थोड़ा वीक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि देखिए इसके गिरने के बहुत सारे चांसेस है। ये जो दोस्तों जो एक सप्लाई चेन इशू सबसे पहला, ठीक है, सप्लाई चेन इशू, आप देखिए पहले चाइना लॉकडाउन का, चाइना के कारण कंटेनर का जो ब्लॉकेड हुआ, रशिया यूक्रेन के कारण सप्लाई चेन प्रॉब्लम हुई, सप्लाई चेन के कारण जो आप कह सकते हैं मटेरियल कॉस्ट है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, जिस कारण के मार्जिन बहुत श्रिंक हो रहे हैं। अब बात करें दूसरी चीज़ों की, तो इनके मटेरियल कॉस्ट महंगे, मार्जिन श्रिंक हुई, डिमांड में बहुत ही ज़्यादा कमी आना, और प्लस जो एक बहुत बड़ी बैट चली थी ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इन गर्मियों में इतनी भयंकर आप सुन रहे होंगे न्यूज निकल के आ रही है, यहां गाड़ियां जल रही हैं, वहां गाड़ियां जल रही हैं, ऐसे में आपको दिख रहा होगा कि जो एक कह लीजिए ललक थी लोगों के बीच वो कम हो रही है। और इसका सीधा असर जो इतना ज्यादा कहते हैं ना दोस्तों हाइक बनाया गया था इन बैटरी सेक्टर्स में, उन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इन तमाम चीजों को भी हटा दें, और इन तमाम चीजों को हटा दें अगर आप, तो भी जो आप कह लीजिए एक लिक्विडिटी, ठीक है, एक लिक्विडिटी जो क्रंच आ चुका है पूरे बाजारों में, उसके कारण इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रेशर में है बाजार, इतनी ज़्यादा गिरावटें दिखा रहा है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए ऐसे में हमें, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्रीज आपको एक काफ़ी अच्छे लेवल में खरीदारी करने मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इशू है आपका, अगर आप एक लॉन्गर टर्म हो तो प्लीज़ में निवेश करें, लेकिन याद रखें थोड़े परेशानी ये स्टॉक आपको करेगा ही करेगा। अभी एक क्वार्टर शायद आपको और इंतज़ार करना पड़े चीज़ों को ठीक होने का, क्योंकि इन्फ्लेशन कमर तोड़ दे रही है दोस्तों। यूएसए के जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, यूकी इकोनॉमी का जो लगातार दूसरा महीना निकल के आया है जहाँ पर इकोनॉमी श्रिंक हुई है, तो ये चीज़ें वाकई डराने वाली हैं। पूरे वैश्विक बाजार में एक प्रकार से आप कह सकते हैं गिरावट का सिलसिला बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऐसे समय में हमें वो सेक्टर या वो स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं वहाँ पे हमें कह लीजिए हमें कहना चाहिए खरीदारी का मौका देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उन स्टॉक्स में गिरावट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है। और मैं अगर आपको स्टॉक्स के ऊपर एक चीज़ रिपोर्ट दिखाऊँ तो आप देखिए,
The stock remained sideways post a lower level recovery and poised for a further rise. Its daily relative strength RSI crossed 50 mark after a positive crossover. In the past, the stock extended green after an identical formation with respect to its daily RSI and price has tested its 100-day simple moving averages. ठीक है? तो भाई अगर चार्ट के थ्रू देखेंगे थोड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं. ये अपने 50 मार्क डे जो आप कह सकते हैं जो ये स्टॉक है वो अपने 50 मार्क को ऊपर कर काम कर रहा है. RSI 50 को क्रॉस कर चुका है. वी बिलीव हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ व्हेन द स्टॉक विल रिबाउंड यूटिलाइजिंग प्रायर कंसोलिडेशन एंड विल मूव टुवर्ड 100-day SMA. जैसे ही दोस्तों ये 100-day SMA तोड़ेगा दिस कुड लीड द स्टॉक टुवर्ड 157 इनिशियली एंड ₹163 सब्सिक्वेंटली. यानी कि जैसे ही दोस्तों 157 टूटेगा उसके बाद सीधा 163. फ्रेश लॉन्ग पोजीशन कैन बी इनिशिएटेड करंट जंक्शन एंड ऑन डिप टुवर्ड्स 146 के आसपास आप कह सकते हैं ये एक अच्छा जंक्चर बना रहा था. लेकिन आज देखिए क्या हुआ, बाजार में इतनी भयंकर बिकवाली हुई कि उससे एक्साइड इंडस्ट्री भी नहीं बचेगा और एक बड़ी गिरावट एक्साइड आपको दिखा रहा है. और ऐसे में अगर आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन में दिख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है इन स्टॉक में निवेश करने का. और देखिए अगर बात करें इनके शॉर्ट ऑफ स्टॉक के टारगेट की तो आप देखिए ICICI डायरेक्ट ने ₹155 का इसमें टारगेट दिया है और ये मुझे काफी रीजनेबल टारगेट लगता है दोस्तों. रीजन क्या है, क्योंकि अभी स्टॉक कंसोलिडेट करेगा वो निवेशक जो ये सोच करके इसमें आएंगे कि ये यहां से बहुत तेज भागेगा, मैं ये नहीं मानता. मैं ये कह रहा हूं स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन में है, आराम आराम से इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग को. और आज शायद पर्सनली मैं भी इस स्टॉक को खरीदारी करूं, मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा लॉन्गर टर्म के लिए. फिर ये स्टॉक के बाद 139 से 142 के बीच बहुत तगड़ा सपोर्ट है. इसका 52 वीक लो जो है वो 135 है दोस्तों. कितना? 135. तो इसी के आसपास ही वापस से एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है. तो यदि ये पूरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा. यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.